ऑल गुड बताइए, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? करें शुरुआत। अरे भाई, कौन सा नशा करके आए हो? क्या फूक के आए हो आज? है ना, क्या फूक के आए हो? सही सी बताना, क्या ही फूक के आए हो आज? अरे है ना, क्या फूक के आए हो आज? अच्छा, पवन सर कमेंट सेक्शन में क्या? पवन सर कमेंट सेक्शन में क्या? कहाँ है पवन सर? मुझे लगा कुछ फूक के आए आप लोग। अच्छा, पवन सर कमेंट सेक्शन में, मुझे लगा पवन सर दिख रहे हैं इनको वीडियो में। मैं बोला क्या फूक के आए सद्दो भाई। यस, है ना। अच्छा, मैं 2 दिन नहीं मिले तो फूक के फूकते हुए बैठे थे, बहुत बढ़िया। अरे देखो, पैसे भेजे सरफरोश भाई ने, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। अब शेयर दूसरे वाले लेने पड़ेंगे ना। चलो तो भाई, करें क्या स्टार्ट? करें क्या स्टार्ट बताइए? तो पढ़ा कि नहीं अभी तक का? अभी तक का आपने पढ़ा है कि नहीं बताइए? पढ़ा, पूरा पूरा रिवाइज हो गया है? पूछ लूँ क्या कुछ भी? बताओ, कुछ भी पूछा तो बताओगे कि नहीं? हाँ, कुछ भी अगर आपसे रैंडम चीजें पूछी तो बताओगे कि नहीं? बताओ, जस्ट अ मिनट। है ना, बताओ भाई। वॉइड वॉइड एग्रीमेंट कहाँ पर डिफाइंड है? बताओ, वॉइड एग्रीमेंट कहाँ पर डिफाइंड है और उसका सेक्शन बताओ फटाफट से। है ना, वॉइड एग्रीमेंट कहाँ पर डिफाइंड है और मतलब कैसी डेफिनेशन है वॉइड एग्रीमेंट की और उसका सेक्शन बताओ फटाक से। है ना, वॉइड एग्रीमेंट की बताओ फटाक से। ऑल रिवाइज्ड? नो सर, इज नॉट कम्प्लीटली। क्यों, अभी तक आपने पढ़ा नहीं? क्या दिक्कत है बताइएगा? वॉइड एग्रीमेंट कहाँ पर लिखा हुआ है? वॉइड एग्रीमेंट और उसकी डेफिनेशन। वॉइड एग्रीमेंट और उसकी डेफिनेशन। तो यहाँ पर कोई टू ई बोल रहा है, कोई आई बोल रहा है, कोई जे बोल रहा है, कोई जी बोल रहा है ना। वॉइड एग्रीमेंट चाहिए, वॉइड एग्रीमेंट। तो वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन बताओ भाई, किसमें होती है? वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है। एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, वेरी गुड। एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज वॉइड, वेरी गुड, परफेक्ट है। तो कहाँ लिखिए ये? टू जी एच आई जे, कहाँ पर? है ना, टू था, जी था, एच था, आई था, जे था, करेक्ट? यस, वेरी गुड। टू जी में था ना, वेरी गुड, परफेक्ट। तो आपका टू जी में था वॉइड एग्रीमेंट। एच में क्या था? एच में क्या था बताओ? कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फोर्स्ड बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, ओके, ठीक है। एच में आपका कॉन्ट्रैक्ट था, परफेक्ट। वॉइडेबल का मतलब है ना, बताओ। सूर्यवंशी कह रही पवन सर आप बताओ। अबे एग्जाम तुम्हारे, उनके हद हो गई। तो बताओ, एच में आपका कॉन्ट्रैक्ट था और आई में क्या था? आई में क्या था बताओ? टू आई में क्या था आपका? टू एच में कॉन्ट्रैक्ट था, वेरी गुड। है ना, कॉन्ट्रैक्ट था। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, वेरी गुड, परफेक्ट। है ना, और बताओ, टू आई में क्या था? टू आई में वॉइडेबल था, टू आई में आपको वॉइडेबल था, परफेक्ट। और टू जे में था आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट है ना? टू जे में था आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से डिफाइन किया था हमने? वॉइडेबल मीन्स इन्फोर्सिबल एट दी, यस, इन्फोर्सिबल बाय वन पार्टी बट नॉट एट दी ऑप्शन ऑफ अनदर पार्टी, दैट इज वॉइडेबल, और विच कैन बी कैंसिल्ड बाय एनी वन ऑफ द पार्टी, दैट इज कॉल्ड एज वॉइडेबल, बट दैट शुड बी डन विद इन अ रीजनेबल टाइम। एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर अगर आप जाके कैंसिल करवाओगे तो ही चलेगा, नहीं तो नहीं। 8th क्लास में हूँ, मुझे सीए करना है, तो मैं लेक्चर कर सकती हूँ क्या? क्या ये तन्वी? तन्वी मैडम कह रही है सर मैं 8th क्लास में हूँ, मुझे सीए करना है, तो मैं ये लेक्चर कर सकती हूँ क्या? तन्वी मैडम, इतनी जल्दी क्या है? इतनी जल्दी क्या? अभी तो 8वीं कक्षा में हो आप, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, अभी तो काफ़ी वक्त है ना। और बाकी सारे आपको अच्छे अच्छे चैनल्स मिलेंगे, अभी आप वो देखें, अभी ना देखें तन्वी, कोई मतलब नहीं है ना, अभी दिमाग आपको घुमाना नहीं है, अभी जीवन जियो। 4 साल 8वीं कक्षा के बताओ, है ना, 8वीं कक्षा की बालिकाओं को भाई यहाँ पर सीए फाउंडेशन करना है ना। अभी ठीक है, इसलिए तो भी बोला 8 साल क्यों, है ना। कल मैं एक मैराथन ले रहा था, कल की बता रहा हूँ, कल एक मैराथन ले रहा था सीएसईटी वालों का, सुबह से ले रहा था, 10 से शाम हो गई है ना, 6 बज गए,
एक लड़के ने बोला सर मैं 12 साल का हूँ बताओ क्या करूँ। तो 12 साल का हूँ बोले बताओ क्या करूँ। तो मैंने बोला कि भाई ना कार्टून नेटवर्क देखो, पोगो देखो, ये क्या देख रहे हो, ये तुम्हारी उम्र थोड़ी है, हद हो गई। चंचल के लिए सीनियर ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स, वेरी गुड यार चंचल, बहुत बढ़िया बताइए है ना, बहुत बढ़िया। आठवीं कक्षा में सीए, अरे भाई इंजॉय करो इंजॉय है ना। अभी वो सब देखो क्या, ससुराल सिमर का देखो और वो सब देखो, ये सब अभी नहीं है ना। चलिए तो ये तो भी आठवीं कक्षा में है, टाइम है आपको मैडम, टाइम है आपको, चलो है ना। यस टॉम एंड जेरी वगैरह देख सकते हो, दिक्कत। तो यहाँ पर क्या है आपका टू है ना, टू जी हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टू जी आपका हो गया, एच हो गया, आई हो गया, आई वॉइडेबल था। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड था है ना, पहले वैलिड था बट सब्सिक्वेंटली इट बिकेम इनवैलिड इम्पॉसिबल, जो बाद में इनवैलिड या इम्पॉसिबल हो गया, दैट इज कॉल्ड एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो हमारे समझने के हिसाब से है ना, ये तो हमारे समझने के हिसाब से आठवीं में सीए पढ़ना चालू करेगी ये है ना बालिका, तो ट्वेल्थ में तो सीए बन जाएगी, ट्वेल्थ में तो सीए बन जाएगी, फिर उसको समझ नहीं आएगा अब लाइफ में करना क्या है ना। शिनचैन बहुत बढ़िया, चलो सुनो प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा, प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिफाइन था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिफाइन था, अ कॉन्ट्रैक्ट पहले था कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। एक कॉन्ट्रैक्ट था विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ, मतलब लॉ ने बोला इन्फोर्स नहीं कर पाएंगे, बिकम्स वॉइड when it ceases to be enforceable, है ना, when it ceases to be enforceable, very good यार तन्वी, नहीं बहुत अच्छी बात है तन्वी, आप ये देख रहे हो, आप इंटरेस्ट ले रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है ना, एट्थ क्लास में आप सोच के बैठे हो सीए करना है और इंटरेस्ट ले रहे हो, बहुत बड़ी बात है, देखो कोई दिक्कत नहीं है ना, नॉलेज जहाँ पर बट रहा है ना ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, बैठो आप भी बैठो। चलिए डन, क्लियर है क्या यहाँ तक, क्लियर है क्या यहाँ तक, परफेक्ट। चलो देखो परफेक्ट है ना, तो ये सब आपने डेफिनेशंस पढ़ी थी, उसके बाद हम इलीगल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हम लोग देख रहे थे, कहाँ गया एक तो ये है ना, ये मुझे देखता है लगता है कि भाई आंटी की है ना आंखों से पट्टी कब हटाएंगे यार, तकलीफ होती होगी बेचारी को। नहीं ऑन द बेस ऑफ वैलिडिटी, चलिए हम पढ़ रहे थे है ना टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सुनिएगा पहला ऑन द बेस ऑफ वैलिडिटी, पहला ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी या फिर है ना इन्फोर्सिबिलिटी। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, विच इज वैलिड इन ऑल द एस्पेक्ट्स। देन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब अभी अभी हमने देखा, ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। नीतू मिरानी जी आज तो बैक टू बैक लेक्चर्स हैं यार, अभी आप मुझे कॉल करके रखो है ना, मुझे एक मिस कॉल मार के रखो है ना, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है। चलिए सुनेगा है ना, सुनेगा तो यहाँ पर क्या, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto but not at the option of others. एक या उससे ज्यादा पार्टी जो इन्फोर्स करवा सकती है लेकिन बाकी नहीं करवा सकती, that is called as voidable. मतलब आपके ऊपर किसी भी प्रकार का इन्होंने फोर्स यूज किया होगा, coercion होगा, undue influence होगा, तो आप चाहे तो आप मतलब कौन, the aggrieved party can approach to the court. Aggrieved party जो है वो court में जा सकती है, अरे चलेगा नहीं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो aggrieved party जो है वो बिल्कुल ना court में जा सकती है एंड वहां पर जाके कोर्ट को कह सकती है कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाओ, बट दैट इज टू बी डन विद इन अ रीजनेबल टाइम, बट दैट इज टू बी डन विद इन अ रीजनेबल टाइम, ठीक है। अगर रीजनेबल टाइम में कैंसिल करवाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो नहीं, ठीक है, नहीं तो नहीं। देन चलो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था, इन दोनों का डिफरेंस हमने देखा था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का, वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का, इन दोनों का हमने डिफरेंस देखा था है ना, वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस हमने देखा था, कैसे याद किया था है ना, इन कॉस पररी याद है क्या, इन कॉस पररी याद है क्या। तो void and voidable contract में अगर आपको difference लिखने के लिए आया तो यहाँ पर आपके चार points है, in cos पररी। Now पहले तो meaning तो रहेगा ना, meaning तो by default definition तो आपको लिखना ही है, definition तो आपको by default लिखना ही है। Then in cos पररी is what है ना, in is your enforceability, in is your enforceability है ना, then उसका कारण क्या होता है, void and voidable contract का reason क्या होता है। तो void देखो enforceability, void contract cannot be enforceable, उसको आप नहीं करवा सकते, voidable करवा सकते हो, voidable can be enforced if no objection is taken by the aggrieved party, जो पीड़ित व्यक्ति था अगर उसने कुछ भी objection नहीं लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हो गया in, then cause, what is the reason, आपका contract void क्यों होता है, पहले valid था लेकिन बाद में void हो गया, क्योंकि कुछ change in law हुआ होगा, change in circumstances हुआ होगा इस वजह से, ठीक है। And voidable क्यों होता है, because your consent was not free, तो undue influence, coercion वगैरह वगैरह हो सकता है,
ठीक है, देन परदी से आपको क्या था, परफॉर्मेंस एंड राइट्स. तो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म. इम्पॉसिबल हो गया तो कैसे करेंगे, इम्पॉसिबल होगा तो कैसे करेंगे, परफेक्ट है. परफॉर्मेंस ऑफ वॉइडेबल, परफॉर्मेंस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यस बहुत सिंपल है. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाया जा सकता है क्या, यस द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म इफ द अग्रीव्ड पार्टी डज नॉट टेक एनी ऑब्जेक्शन. अगर आपकी अग्रीव्ड पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया है विद इन अ रीजनेबल टाइम, एक रीजनेबल टाइम होगा आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, अगर उसने ऑब्जेक्शन नहीं लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, फिर उसको परफॉर्म करना पड़ेगा. देन कोई भी पार्टी दूसरे के ऊपर केस कर सकती है, एनी ऑफ द पार्टी कैन सू ऑन अनदर पार्टी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. हम केस कर सकते हैं कोर्ट में जाके कि सामने वाला जो अपना काम नहीं कर रहा है. सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. एंड राइट्स, क्या आपको अधिकार मिलते हैं, तो यहां पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में नो राइट्स आर गिवन, नो लीगल रेमेडीज आर गिवन, नो रिलीफ इज गिवन, बट वॉइडेबल में यस यू हैव द राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट. यू मतलब कौन, जो अग्रीव्ड पार्टी है जिसके साथ गलत हुआ है उनके पास पूरा पूरा अधिकार है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकते हैं, ठीक है. और अगर नहीं किया, अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो दैट विल बी वॉइड, है ना, दैट विल बी वॉइड. और अगर नहीं किया तो वैलिड, हाँ या ना, परफेक्ट, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया है ना, चलिए बहुत बढ़िया. सी एवेसिक क्रिएशंस, ऑल द वीडियोस हैव बीन ऑलरेडी अपलोडेड, यू जस्ट नीड टू ऐड योरसेल्फ इन द व्हाट्सएप ग्रुप. एंड सीमा अग्रवाल, यूट्यूब पे पूरा सिलेबस होने वाला है, ओके डन. चलिए, तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था, एक ही लाइन हम समझ पाए थे, दूसरी लाइन में आपको समझाना रह गया था, अपना वक्त नहीं बचा था, सुनेगा. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, देखो वैसे तो अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका इलीगल है तो अगर स्टार्टिंग से इलीगल है तो भाई वॉइड, तभी आप उसको वॉइड एग्रीमेंट भी कह सकते हो. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट पहले बन चुका था लेकिन बाद में इलीगल हो गया, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि पहले, है ना, पहले यहाँ पर क्या है, ठीक है, पहले यहाँ पर क्या है, पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या था, पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या था, पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था लेकिन बाद में इलीगल हो गया. मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब को दिक्कत नहीं थी. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था कि भाई आपने कुछ बंदूक वगैरह मंगाई थी, है ना, याद है आपको, कहाँ गई, है ना, ये तो उमंग ने रिया से बंदूक वगैरह मंगाई थी, इतनी प्यारी सी बंदूक मंगाई थी रशिया से, तो हमने कहा था कि भाई इम्पोर्ट करके देना. तो जब कॉन्ट्रैक्ट किया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट वॉज वैलिड, लेकिन बाद में क्या हुआ, है ना, लेकिन भाई बाद में क्या हुआ, बाद में वहां पर कानून ने कहा कि भाई बंदूक आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, वो हो जाएगा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अब लीगल नहीं है, नहीं कर पाओगे, परफेक्ट, क्लियर, समझ आया, है ना, बहुत बढ़िया. अब देखो इसमें इन्होंने कैसे डिफाइन किया है, यहाँ पर ICAI ने इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कैसे लिखा है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द लॉ, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द लॉ. फॉरबिड करना मतलब क्या होता है, ना, फॉरबिड मतलब होता है मना करना. जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपको लॉ ने मना करके रखा है आप फिर भी करोगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपको लॉ ने मना करके रखा है फिर भी करोगे, दैट इज कॉल्ड एज फॉरबिडन, ठीक है ना, परफेक्ट, यस. रोहन भाई बाद में मिलेंगे, बाद में मिलेंगे रोहन खन्ना, ठीक है, डन. चलो तो यहाँ पर क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ इज ऑर इलीगल, लॉ ने मना किया है फिर भी नहीं करने का. नेक्स्ट, द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट. याद है आपको, मैंने कहा था कि अगर आपका कोर्ट कहता है कि अगर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है ना तो इलीगल वाला भी हम लोग इन्फोर्स नहीं करेंगे और उसके साथ जो जुड़े हैं वो भी नहीं करेंगे, तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट भी इन्फोर्स नहीं होगा और उससे जो जुड़ा हुआ है वो भी इन्फोर्स नहीं होगा. आपको याद है, है ना, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ गया, है ना, ये वाला याद है आपको. तो भाई यहाँ पर अर्श जो है उसने विजेंद्र से कॉन्ट्रैक्ट किया था, अर्श ने विजेंद्र से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई तेरे से जो हमको, है ना, धनुष चाहिए, है ना, तीर कमान चाहिए और इससे हम एक्स का मर्डर करने वाले, ठीक है. ऐसा नहीं, पहले विजेंद्र ने अर्श को अपॉइंट किया था, विजेंद्र ने अर्श को कहा था कि भाई ये मिस्टर एक्स का मर्डर करना है. फिर अर्श गया था अपने मित्र के पास, पुनीत के पास, अर्श जो है अपने मित्र पुनीत के पास गया था और उसे उधार में लिया था इंद्रधनुष और कहा था कि भाई हमको मर्डर करना है, आपका इंद्रधनुष चाहिए उधार में, है ना, उधार में. तो ये दो कॉन्ट्रैक्ट हैं, देयर आर टू कॉन्ट्रैक्ट. वन कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ मर्डर ऑफ मिस्टर एक्स, तो आपके एक्स का मर्डर किया जा रहा था, ये इलीगल है, है ना, ये इलीगल है, ठीक है, ये कोर्ट अलाउ नहीं करेगा. एंड आपने जहाँ यहाँ पर जाकर पुनीत को कह दिया था, अपने मित्र को जाके कह दिया था कि मुझे ये धनुष क्यों चाहिए, वो उसके ना एक्स का मर्डर करना है, तो ये हो गया कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट. कोलेटरल मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ. कोलेटरल मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ. तो जब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आपका इन्फोर्स नहीं होगा तो जुड़ा हुआ भी आपका इन्फोर्स नहीं होगा. इफ द इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड
then even the collateral jo juda hua rahega na, even that cannot be enforced. Perfect, clear, samajh aaya? Ha, bahut badhiya. To ye bhi humne dekha tha, ye bhi humne dekha tha iski second wali line. फिर उसके बाद एक लाइन आपको दी हुई थी और मैंने कहा था कि इसके ऊपर थोड़ा सोच विचार करके आना. आपको आई थिंक 48 टू 78 आवर्स मिल गए थे ये सोच विचार करने के लिए, तो आपने देख लिया होगा इसका मतलब क्या होता है. सुनिए, नेक्स्ट क्या बोला था, एन इलीगल एग्रीमेंट्स, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी इलीगल. तो हर इलीगल एग्रीमेंट, माने देवम कह रहा है वॉइस क्लियर नहीं है क्या, होना तो चाहिए यार, वैसे दिक्कत नहीं जाती है, वैसे दिक्कत नहीं जाती है, ऐसे करूंगा तो फिर ऐसे आपके कान फटेंगे. वैसे क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना. ओके परफेक्ट, चलिए सुनिएगा, है ना, सुनिएगा विजेंदर, विजेंदर चलिए सुनिए. तो मैं क्या कह रहा था कि ऑल जो भी इलीगल एग्रीमेंट्स हैं वो वॉइड होते हैं, हर इलीगल वॉइड होगा, लेकिन हर वॉइड इलीगल हो जरूरी नहीं है. जैसे मेहर, मेहर कपूर कह रही है ना, बहुत प्यारा नाम है, सोशल एग्रीमेंट वॉइड है पर इलीगल नहीं है. ऐसे बस बिल्कुल वेरी गुड, है ना, सोशल एग्रीमेंट वॉइड है मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ऐसे सही है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सोशल एग्रीमेंट वॉइड नहीं है, बस वो इन्फोर्सिबल नहीं है. ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट. तो जो भी आपका सोशल, जो भी आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है मतलब उसको आप वॉइड एग्रीमेंट बोलो या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलो एक ही बात है, क्योंकि स्टार्टिंग से वॉइड है ना, स्टार्टिंग से वॉइड है. ठीक है परफेक्ट. चलिए, है ना, रिया कह रही है हाँ सर इट्स ब्रेकिंग अ लिटिल बिट बट इट इज ओके. तो ये तो मुझे लग रहा है अपने दिल का हाल सुना रही है, थोड़ा थोड़ा दिल में दर्द हो रहा है ना ब्रेकअप या झगड़े के कारण, बट इट्स ओके, काम चला लेंगे. चलिए बताइए फटाफट से, आप बताइए, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड बट नॉट इलीगल. वेरी गुड तन्मय, वेरी गुड तन्मय कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वॉइड बट नॉट इलीगल, बहुत बढ़िया, है ना. अब देखो, अगर आप देखो, आप आगे पढ़ोगे कि एक एक वॉइड अगर कोई है, अगर कोई वॉइड है ना, सॉरी अगर कोई माइनर है ना, अगर कोई माइनर है ना, तो वो छोटू बेबी के साथ, माइनर मतलब कौन हो गया छोटू बेबी, तो 18 साल से कम वाला जो भी इंसान है, आपने उसके साथ कोई भी अगर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो होता है वॉइड, वो होता है वॉइड, है ना, वो होता है वॉइड. मतलब आपने अगर किसी छोटू बेबी को लोन दिया तो आप पैसे वापस नहीं ले सकते, है ना. आपने किसी अगर 18 साल से कम वाले को, माइनर को लोन दिया तो आप वो छोटू बेबी से अपने पैसे जो वापस नहीं ले सकते. ठीक है, वो क्या बोलेगा, है ना, हम तो ऐश करेंगे, पापा पैसे देंगे, ऐसे मतलब उसके पापा भी जो है लायबल नहीं होते, आगे हम आपको बताएंगे. ठीक है, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वॉइड है, लेकिन वो इलीगल है क्या, नहीं इलीगल बिल्कुल नहीं है, है ना, इलीगल बिल्कुल नहीं, आप कुछ इलीगल काम नहीं कर रहे हो, बट ऐसा है कि छोटू बेबी से आप पैसे नहीं ले पाओगे. ठीक है, तो एवरी वॉइड इज इलीगल ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, जैसे यहां पर सुचित है, ठीक है, यहां पर सुचित है, सुचित क्या कह रहा था किसको, निखिल को. सुचित जो है वो निखिल को कह रहा था, कौन है ये, अभी तो हम खुद माइनर है, मैं जा रहा हूं लोन लेने, प्रिया मैं जा रही हूं लोन लेने, वेरी गुड वेरी गुड, है ना, जाओ लेके आओ, है ना, उसमें थोड़ा मेरे को दे देना, बड़ा बड़ा लोन लेके आओ ना, है ना, जब गंगा बही रहे तो हाथ तो हम भी धो लें, है ना, आप ही ले रहा हूँ, कुछ नहीं उसमें. तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर कौन था, है ना, नाम भूल गया यार, है ना, चलो यहाँ पर नया नाम लेते हैं, वैशाली, सपोज वैशाली है, तो वैशाली ने क्या बोला, वैशाली ने चंचल को कहा, है ना, वैशाली ने चंचल को कहा कि भाई मैं आपको भूम भट, है ना, यहाँ पर जादू से, है ना, भीम भट स्वाहा करके जो है मैं आपको खजाना ढूंढ के देने वाली हूँ, है ना. यहाँ पर जो वैशाली ने चंचल को कहा है कि मैं भीम भट स्वाहा करके आपको खजाना ढूंढ के देने वाली हूँ, तो ये सब जो है दीज आर इम्पॉसिबल टू परफॉर्म. लॉ कहता है हमारे हिसाब से इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, आपको जो करना है करो, बट हमारे हिसाब से इम्पॉसिबल तो वॉइड है, पर क्या इलीगल है क्या, है ना, मुझे बताओ. जादू टोना करना जो है मतलब उसमें, है ना, अपन ब्लैक मैजिक नहीं कर रहे, अपन क्या कर रहे हैं, जादू टोना करके आपको खजाना ढूंढ के देना है, तो वो इलीगल है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो हर वॉइड इलीगल हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. सर आप लोन दे दो 1 लाख का, सब पार्टी कर लेंगे, बेटा लोन मांग रहे हो पार्टी के लिए तो 1 लाख, मुझे लगा ज्यादा मांग रहे होगे, चलो कोई बात नहीं. सुनो, तो यहां पर मैंने आपको क्या कहा कि हर वॉइड इलीगल हो ऐसा जरूरी नहीं है, हर वॉइड इलीगल हो ऐसा जरूरी नहीं है. माइनर वाला एग्जांपल हो गया, ठीक है, आप चाहे तो लिख भी लो, है ना, माइनर वाला एग्जांपल हो गया, ठीक है, या फिर वो जादू टोने से ढूंढना, ये वॉइड है लेकिन इलीगल नहीं है. बट क्या हर इलीगल वॉइड होगा, क्या हर इलीगल वॉइड होगा, हाँ जी इलीगल होगा तो कोर्ट में कैसे जाओगे ना, अगर इलीगल होगा तो कोर्ट में कैसे जाओगे, बताओ जा सकते हो क्या,
जा सकते हो क्या? नहीं ना। अब मैंने है ना, शुभी मैडम पढ़ो, आपका एग्जाम है, शुभी मैडम हेलो करने आइए, हो गया क्या मॉक टेस्ट? चलिए, हस्बैंड एंड वाइफ फॉर कंसिडरेशन इज वॉइड, फाइटिंग इज नॉट, फाइटिंग में क्या कॉन्ट्रैक्ट है ना, दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे को है ना, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को तकिया फेंक के मार रहे हैं, उसमें क्या है? फाइटिंग इज नॉट अवॉइड। अरे कहाँ पहुंच गए भाई आप, ऐसा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जैसे मम्मी बोलेगी पापा को मारूं क्या, पापा बोलेंगे मार, तो ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये होता है एग्रीमेंट, बट दिस इज सोशल एग्रीमेंट है ना, पापा मना नहीं कर सकते, पता है? ठीक है, चलिए, परफेक्ट है, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया, दैट इज डोमेस्टिक, ये क्लियर हुआ। चलो, अब हर इलीगल वॉइड होगा ही होगा। अब मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला जैसे यहाँ पर है ना, कोपल अग्रवाल का मुझे नाम नया नया दिख रहा है, कोपल अग्रवाल, तो मैंने कोपल को बोला है ना, इतने नए नए नाम आप लेके आते हो, बढ़िया। कोपल जो है, मैंने कोपल को कहा था है ना, मेरा एक मित्र है जिसका नाम है भेषज, ठीक है, मेरा एक मित्र है जिसका नाम है क्या, भेषज। प्राची, कह मेरी ऑडियो ब्रेक हो रही है, मुझे नहीं लग रहा है ऑडियो ब्रेक हो रहा होगा, नहीं तो सबको दिक्कत जाती है, और आप कह रहे हो तो दिल की तसल्ली के लिए एक बार मैं भी चेक कर ही लेता हूँ, बट आई डोंट थिंक दिक्कत जारी होगी है ना, आपके नेट अगर ब्रेक हो रहा होगा, आपका अंबानी आपको धोखा दे रहा होगा, तो बात अलग है, करेक्ट है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए चालू हुआ कि नहीं, देख एक मिनट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और परफेक्ट, चलिए सुनिएगा है ना, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। यहाँ पर हमने कोपल को क्या कहा था, कोपल को कहा कि हमारा एक दोस्त है, एक मित्र है, भेषज नाम का है ना, बहुत तंग करता है, हमने कहा था भेषज नाम का एक हमारा मित्र है, बहुत तंग करता है ना, इसके ना गले में है ना, इसका जो गला है ना, इसके गले में रस्सी बांधना है ना, इसके गले में रस्सी बांधना और उसको स्कूटर से खींचना है ना, हमने कहा था माइक अनप्लग करके प्लग करूंगा तो आवाज़ चली जाएगी ना, उसमें समस्या है। चलो, तो मैंने उसको कहा कि भाई इसको क्या करूं है ना, आप जो इसके गले में रस्सी बांधो है ना, इसके गले में रस्सी बांधो और इसको स्कूटर में घुमाओ, ठीक है, तो ये क्या है, ये लीगल काम है, आप किसी को जो है दुख पहुंचा रहे हो, आप किसी को हार्म कर रहे हो, ठीक है, ये क्या है, ये लीगल है, तो क्या ये वॉइड भी है, बताओ हाँ रिया करी, मुझे लगा बेशरम नाम है, नहीं भेषज है, भेषज, स्कूटर टूट जाएगा, आपको कैसे पता उसका वजन बहुत ज्यादा है, आपको कैसे पता, ठीक है, चलिए सुनिएगा, तो यहाँ पर ये क्या है, ये इलीगल है, तो हर इलीगल वॉइड होता ही होता है, ठीक है, मैंने आपको बोला था कि पत्तियां ला के देना, है ना, और हो सके तो रोल भी करके देना उनको, है ना, अगर पॉसिबल है तो रोल भी करके देना उनको, तो मतलब मैं आपसे क्या मंगा रहा हूँ है ना, नेचुरल नशा, ऑर्गेनिक नशा, दैट इज वीड, मैं आपसे मंगा रहा हूँ गांजा, तो मैं कह रहा हूँ कि लेके आओ और रोल भी करके देना, तो ये सब क्या है, ये सब इलीगल है, है ना, अगर आपने मुझे गांजा ला के नहीं दिया तो मैं कोर्ट में जाके बोलूंगा कि इसने मुझे पत्तियां ला के नहीं दी हरी हरी, ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, है ना भाई, ये सब चीज़ें होती हैं आपकी इलीगल, और इलीगल है तो वॉइड है, आप कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते ना, मैं कोर्ट में जाके नहीं बोल सकता कि भाई इन्होंने ला के नहीं दिया था, डन, परफेक्ट, क्लियर, समझ आया, बहुत बढ़िया, देन डिस्पाइट दिस, तो ये समझ आया, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, होते ही हैं, बट अ वॉइड एग्रीमेंट मे और मे नॉट बी लीगल, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है। सर, आई हैव रेड समवेयर दैट वीड इज एक्चुअली नॉट हार्मफुल, इसलिए मैं जो इतना प्रमोशन कर रहा हूँ, ठीक है, मम्मी सुनेगी तो मारेगी, नहीं, ईयरफोन डाल लो, कोई दिक्कत नहीं, ये याद मम्मी को बोलना, इससे याद होता है, अच्छी अच्छी बातों से याद नहीं होता हमको, तो उसमें आपकी गलती, मेरी नहीं, डन, चलिए सुनिएगा, नेक्स्ट क्या है, डिस्पाइट दिस there is a similarity between them is that in both cases they are void of initio and cannot be enforced by law, par dono mein ek samanta hai, dono mein ek similarity hai, that both are void of initio. What do you mean by void of initio? ye pehli baar aap mujhse sun rahe ho, pehle aapne padha hoga, void of initio matlab void right from the beginning, void matlab kya hota hai, ठीक है, void का मतलब क्या होता है, void of initio का मतलब होता है, this is void right from the beginning, starting से, शुरुआत से, void right
फ्रॉम द बिगनिंग, है ना, वॉइड राइट फ्रॉम द बिगनिंग. जैसे आपने कभी ना कभी अपने मित्र को बोला होगा कि भाई तू अभी ऐसा हुआ है कि जन्म से ही ऐसा था, है ना, तू अभी ऐसा बावरा हुआ है, जन्म से ही ऐसा था. तो मतलब जो स्टार्टिंग से ही ऐसा था, दैट इज बावरा अब इनिशियो, मतलब वॉइड अब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही बावरा था, स्टार्टिंग से ही वॉइड था. तो जब आप इसमें एंटर करने का सोच रहे थे या एंटर किया था ना, तब से ही वॉइड था. ठीक है, परफेक्ट, है ना, बहुत बढ़िया. दैट इज कॉल्ड एज वॉइड अब इनिशियो. समझ आया वॉइड अब इनिशियो का मतलब? दैट इज वॉइड राइट फ्रॉम द बिगनिंग, एकदम स्टार्टिंग से ही वॉइड था. तो पहले से आपके पास कोई राइट नहीं थे. देन एंड इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ, लॉ कानून इसको लागू नहीं करवा सकता. सही बात है ना, परफेक्ट, समझ आया, क्लियर है क्या? चलो आगे. तो देखिए, ये था आपका इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या पॉइंट्स आ गए आपके भाई, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या पॉइंट आ गए? तो पहला पॉइंट आ गया आपका, है ना, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द लॉ. नेक्स्ट, आपके जो कोलेटरल है, कोलेटरल भी जो है आपके, वो इलीगल हो जाते हैं, इवन दैट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड. ठीक है, नेक्स्ट क्या, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड. यहाँ पर वॉइड वर्सेज इलीगल, वॉइड वर्सेज इलीगल, ये तीसरा पॉइंट आ गया. चौथा पॉइंट क्या, वॉइड अब इनिशियो. तो ये क्या है, स्टार्टिंग से ही वॉइड अब इनिशियो होता है. ओके, तो ये जो मैंने आपको, देखो लेफ्ट साइड में जगह इसलिए देख रखी है कि पैराग्राफ में जो भी लिखा हुआ है उसके छोटे छोटे की वर्ड्स आप साइड में लिख लो, तो जब आप रिवाइज करोगे ना तो वहीं से देख के आप आगे बढ़ सकते हो. ओके, परफेक्ट, है ना. मेहता जी यहाँ पर अपनी हैंड राइटिंग का प्रदर्शन करते हुए, अब पता है मेरी अच्छी नहीं है, मुझे पता है. कोलेटर मतलब होता है जुड़ा हुआ, कोलेटर मतलब होता है जुड़ा हुआ, कनेक्टेड. ठीक है, जो लॉटरी नंबर सेकंड वाली ओपन नहीं हो रही है, वापस भेज देंगे तानिया जी, कोई दिक्कत नहीं है. वॉइड एग्रीमेंट भी वॉइड ऑफ इनिशियो होता है. यस, बहुत सारी चीजें वॉइड ऑफ इनिशियो होती है, क्योंकि बहुत सारी जगह क्या होता है ना कि आपके एक ही एग्जाम्पल आप दो तीन जगह पर डाल सकते हो. आप एक ही एग्जाम्पल इलीगल में भी डाल सकते हो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में भी डाल सकते हो, वॉइड एग्रीमेंट में भी डाल सकते हो, वॉइड ऑफ इनिशियो में भी डाल सकते हो. ठीक है, परफेक्ट, क्लियर. ये देखो आ गए बेवफा सनम, ये आ गए बेवफा सनम, रिया का आशिक. हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, हेलो रिया, बोलना भाई मेरे. चले, क्लियर है इतना, चले आगे. चलो देखो, अब आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 21, कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल. तो एग्जाम्पल में क्या बोला है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो इमोरल है या अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, ये सब इलीगल इन नेचर होते हैं. अगर ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है विच इज इमोरल, एक कॉन्ट्रैक्ट है विच इज इमोरल या फिर अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, आर इलीगल इन नेचर. अब इमोरल जो है वो सब्जेक्टिव हो सकता है, कोर्ट के हिसाब से भी अलग हो सकता है. ठीक है, कोर्ट के हिसाब से भी अलग हो सकता है, परफेक्ट. तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर इमोरल है, कोर्ट को लगता है कि यार आप क्या कर रहे हो, है ना, दूसरे की सीट लेके बैठ रहे हो, है ना, आप पैसा खिला के कोई डेजिग्नेशन ले रहे हो, कोई पोस्ट ले रहे हो, तो ये भी क्या है, आपका अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, दीज आर इलीगल इन नेचर. सिमिलरली इफ आर अग्रीज विद एस टू परचेज द ब्राउन शुगर, पता है आपको ब्राउन शुगर के बारे में, पता है आपको ब्राउन शुगर के बारे में? अगर नहीं पता है तो घर वालों को बोलना कि अब हमको डाइटिंग चालू करनी है, घर वालों को बोलना कि अब हमको डाइटिंग चालू करनी है. एक आप खाना चालू करो ब्राउन राइस, है ना, एक आप क्या खाना चालू करोगे, एक आप खाना चालू करोगे ब्राउन राइस, और एक आप खाना चालू करोगे ब्राउन शुगर. तो डाइटिंग में आपको चालू करना पड़ेगा. आप क्या क्या करोगे बताओ? आशिक को भगाओ, या पवन सर की क्लास में भी डिस्टर्ब करता है, कोई बात नहीं, है ना, रिया का आशिक है, है ना, तंग करेगा तो फिर समझा देंगे. ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ब्राउन ब्रेड भी आप खा सकते हो. तो ब्राउन ब्रेड में बढ़िया ब्राउन बटर लगा के ब्राउन शुगर ऊपर डाल के खा लो. ठीक है, परफेक्ट, है ना. तो यहाँ पर क्या है, एक ब्राउन राइस आपको स्टार्ट करना चाहिए और ब्राउन शुगर. अभी अच्छी बात है क्या बताओ, ब्राउन राइस अच्छा है क्या? हाँ जी, ब्राउन राइस आप खुद खाओ, घर वालों को खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा होता है. ब्राउन ब्रेड ये भी अच्छी होती है, लेकिन ब्राउन शुगर बेटा अगर आप खाए, आपने खाया है ना, अगर है ना, ब्राउन मुंडे, है ना, ब्राउन मुंडे ब्राउन शुगर खाओ, ब्राउन शुगर आपने खाया, ब्राउन शुगर क्या होता है, ये एक नशीला पदार्थ है, है ना. ब्राउन शुगर जो है ना, ये क्या है, एक नशीला पदार्थ है. तो मैंने आपको कहा कि नहीं, मुझे डॉक्टर ने कहा है ब्राउन शुगर खाओ, है ना, मुझे डॉक्टर ने कहा है ब्राउन शुगर खाओ, स्टेमिना बढ़ेगा, सपोज ऐसा बोला. तो ब्राउन शुगर वगैरह क्या होता है ना, ये नशीला पदार्थ, एक नशा है. तो ब्राउन शुगर का एग्रीमेंट करना इज इलीगल, तो ऐसे कर मत देना, है ना. मैंने आपको कभी फ्लो फ्लो में बोल भी दिया कि ब्राउन शुगर भिजवा दो घर में, तो पता चला घर के बाहर आके घंटी बजा रहे हैं, सर ये लो एक किलो, ऐसे नहीं करते, है ना. ब्राउन शुगर से भ्रमण घुमाओ, है ना, दुनिया घुमाओगे, सही बात है. ठीक है, वो आपने संजू बाबा वाली मूवी देखी थी ना, संजू संजू देखी थी ना, उसमें कैसे उसको तारे, मतलब वो फूल पत्ती दिखते थे और क्या 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 दिखते थे ऐसे ऐसे करने के बाद, तो वैसा हो जाएगा. तो वो सब नहीं करना है, है ना, वो सब आपको नहीं करना है. ठीक है, परफेक्ट, क्लियर, है ना, बहुत ही बढ़िया, है ना, बहुत ही बढ़िया.
अबे तुम साला साइड ट्रैक क्यों सोचते हो, तुम अच्छा सोचो ना, तुम अच्छा सोचो ना, मैं अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ। ठीक है भाई, वर्कआउट करना रहता है, दौड़ना रहता है इंसान को, रनिंग करनी रहती है, मैराथन लेना रहता है, दिन से रात तक जो है इंसान लेक्चर लेता है, तो उसके लिए पावर एनर्जी स्टेमिना बना हुआ रहना चाहिए। तुम बताओ, तुम्हारी सोच ही विकृत है, तुम्हारी सोच ही विकृत हो चुकी है, मैं सच्ची कह रहा हूँ। हाँ, आपकी जो सोच है, सोच हो चुकी है खराब। गंगा जल छिड़को थोड़ा। चलिए, हाय सर, कब करोगे सीए का बचाव है? मतलब बचा, समझा नहीं। टेलर साहब क्या कह रहे हो, समझे नहीं। डन, ये समझ आया? कहाँ गया? चलो डन, ये क्या है, इलीगल एग्रीमेंट है, परफेक्ट। अब चलिए आगे देखते हैं, है ना, अब चलिए आगे देखते हैं। इट डिड नॉट साउंड रॉन्ग, यू थॉट इट रॉन्ग, मेरी कोई गलती नहीं थी, आपने अदरवाइज लिया। चलिए सुनिएगा, द एक्ट हैज स्पेसिफाइड वेरियस फैक्टर्स। फिर हमने जो देखो 2G का ये पढ़ा था आपका वॉइड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज वॉइड, करेक्ट। देन देयर आर वेरियस फैक्टर्स वगैरह वगैरह जिसके कारण आपका वॉइड एग्रीमेंट हो सकता है, तो ये सब टाइम पास चीजें लिखी हुई है। हम डिफरेंसेस पर आ जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन योर वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। डिफरेंस बिटवीन वॉट, वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? अभी आप दोनों पढ़ चुके हो, है ना, अभी आप दोनों पढ़ चुके हो, ठीक है, क्या एक वॉइड एग्रीमेंट और एक इलीगल एग्रीमेंट, तो दोनों में डिफरेंस क्या लिखोगे, दोनों में डिफरेंस क्या दिखोगे? तो दो तीन पॉइंट्स आप खुद से बना सकते हो। अवॉइड मे और मे नॉट बी इलीगल, बट इन इलीगल इज ऑलवेज वॉइड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर कुछ इलीगल है, इफ देर इज एन इलीगल एग्रीमेंट, तो उसके जो कोलेटरल रहेगा, जो जुड़ा हुआ रहेगा, इवन दैट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, जो उससे जुड़ा हुआ रहेगा, इवन दैट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, ठीक है, सही बात है ना। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट के साथ जो जुड़ा हुआ है, वॉइड एग्रीमेंट के कोलेटरल में जो भी है, वॉइड एग्रीमेंट के कोलेटरल में भी जो भी जुड़ा हुआ है, जो कनेक्टेड है, हो सकता है कि वो वॉइड हो या ना हो, जरूरी नहीं है कि वॉइड हो, है ना, जरूरी बिल्कुल नहीं है कि वॉइड हो, ठीक है, परफेक्ट, हाँ या ना। सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा, तो एक दो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ठीक है, बाकी देख लेते हैं। स्कोप में क्या बोला है, तो यहाँ पर वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी इलीगल, बट इलीगल इज ऑलवेज वॉइड, सही बात है ना, परफेक्ट है ना। प्लीज यहाँ पर फोकस करिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर, वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, वॉइड एग्रीमेंट लॉ ने मना नहीं करके रखे, ठीक है, जादू से आपका भविष्य बताना, ठीक है, या फिर आपको जो है किसी प्रकार का खजाना ढूंढ के देना, ठीक है, आप किसी अपने दोस्त को बोल रहे हो कि मैं पतंग की तरह उड़ के बताऊंगा, सो दिस इज नॉट इलीगल, यू कैन डू, कोई दिक्कत नहीं है, बट इलीगल आर फॉरबिडन बाय लॉ, तो ब्राउन शुगर वगैरह खाने का नहीं, ठीक है। डेफिनेशन लिख तो सकते हो, वॉइड एग्रीमेंट की तो रहेगी, इलीगल एग्रीमेंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डेफिनेशन भी आप, मीनिंग भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, परफेक्ट, क्लियर है ना। बताता हूँ केमिस्ट्री, मुस्कान दो मिनट रुक जाओ, बताता हूँ। पनिशमेंट, वॉइड एग्रीमेंट में यू आर नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट, वॉइड एग्रीमेंट में कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, वॉइड में कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन इलीगल में मिलेगी, ठीक है, इलीगल में मिलेगी। तो अगर आपने मुझे ब्राउन शुगर ला के दिया, तो आपको सरकार जो है मुर्गा या मुर्गी बनाएगी, डिपेंडिंग अपॉन यू, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन यू, सही बात है ना, परफेक्ट है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या आपको इलीगल में पनिशमेंट भी मिलती है। एंड नेक्स्ट, कोलेटरल एग्रीमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट्स कोलेटरल टू वॉइड मे बी ऑल्सो बी वॉइड, तो वॉइड से जुड़ा हुआ वॉइड हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट इलीगल से जुड़ा हुआ हमेशा वॉइड होता है, इलीगल से जुड़ा हुआ हमेशा वॉइड होता है। अब इलीगल से जुड़ा हुआ, मैंने आपको बताया था कि आप किसी का मर्डर करने के लिए जा रहे थे, तो आपने किसी से वो इंद्रधनुष लिया था और बता के लिया था कि भाई मर्डर करने जा रहे हैं, तो फिर है ना, तो फिर वो क्या था, है ना, तो फिर क्या था बताओ, ठीक है, तो फिर क्या था यहाँ पर बताइए, तो वो भी आपका जो जुड़ा हुआ रहता है वो भी वॉइड होता है, करेक्ट। और वॉइड के साथ जुड़ा हुआ वॉइड रहे ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसका एग्जाम्पल सुनो, कोलेटरल एग्रीमेंट मतलब होता है जुड़ा हुआ, तो वॉइड के साथ जुड़ा हुआ वॉइड रहे ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। डिफरेंस में एग्जाम्पल अगर कुछ ना सूझे तो ही एग्जाम्पल लिखना, बट कोशिश करना कि एग्जाम्पल को आप इग्नोर ही करो, है ना। फॉरबिडन का मीनिंग होता है मना किया हुआ, फॉरबिडन मतलब मना करना, नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड, ठीक है। चलिए सुनिए, तो यहाँ पर वॉइड के साथ जुड़ा हुआ वॉइड ऐसा जरूरी नहीं है, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। अब यहाँ पर गोयम मेरे पास आया, है ना, यस, आप डेफिनेशन लिख सकते हो ना, गोयम बिल्कुल डेफिनेशन लिख सकते हो। अब यहाँ पर समझिए, गोयम मेरे पास आया, ठीक है, मेरे पास नहीं आया,
हाँ मैं क्यों दूं, फिजा के पास गया, गोयम जो है वो फिजा के पास गया, है ना, गोयम जो है फिजा के पास गया और उससे कहा कि मुझे 2 लाख रुपए का लोन चाहिए। गोयम फिजा के पास गया और कहा कि मुझे 2 लाख रुपए का लोन चाहिए, क्यों, क्योंकि 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 एक छोटू बेबी था, है ना, एक छोटू बेबी था, है ना, उसको लोन चाहिए था, एक छोटू बेबी था मतलब एक माइनर था, मतलब क्या था ना, देखिए एक माइनर था और उसको ये लोन देने वाला था, ठीक है, एक माइनर था उसको लोन देने वाला था, क्यों, क्योंकि भाई इसको लॉलीपॉप खाना था, क्योंकि माइनर को ना लॉलीपॉप खाना था, उसको लोन लेना था, अपने क्या करना है, अपने को पंचायत करनी है, उसको लोन चाहिए था, बात खत्म, सही बात है ना, है ना, सुनो तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या, दो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, दो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एक गोयम और माइनर का, गोयम और माइनर का, है ना, तो माइनर को इसको पता नहीं था, गोयम को पहले पता नहीं था, तो उसने उस बालक को लोन दे दिया, है ना, बालक को लोन दे दिया, उसके बाद पैसे मांगने गया, है ना, तो भाई उसको चिढ़ा रहा है वो, है ना, माइनर जो उसको चिढ़ा रहा है ना, उल्लू पटाया बड़ा मजा आया, ऐसे ऐसे करके चिढ़ा रहा है बेचारा, वो बालक क्या ही करेगा, और है ना भाई उसको पोगो देखने की उम्र है उसकी और तुम लोन दे रहे हो, तो ये हो गया वॉइड, है ना, ये हो गया वॉइड, ठीक है, तो इससे पैसे नहीं ले पाएंगे माइनर से। फिर फिजा ने बोला गोयम को कि मेरे पैसे वापस दे, फिर फिजा ने बोला गोयम को मेरे पैसे वापस दे, तो गोयम भी इसको ये बोल रहा है ना, उल्लू पटाया बड़ा मजा आया, अरे बोले ऐसे थोड़ी होता है भाई, तू मेजर है, है ना, तू मेजर है, ऐसे थोड़ी चलेगा, है ना, ऐसे थोड़ी चलेगा, परफेक्ट, है ना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर, यस, अब माइनर के साथ वॉइड होता है ना, माइनर से आप पैसा नहीं वसूल सकते, क्या बेचारे को समझ नहीं है ना, करेक्ट, सही बात है कि नहीं। तो यहाँ पर जो गोयम है ना वो फिजा को ऐसे बोल रहा है, तो ऐसे थोड़ी चलेगा, ये क्या, ये कोलेटरल है, कोलेटरल मतलब जुड़ा हुआ, कोलेटरल मतलब क्या, ये है आपका जुड़ा हुआ, ओके, तो क्या ये भी वॉइड होगा, क्या ये भी वॉइड हो गया, बिल्कुल नहीं, क्या ये भी वॉइड होगा, बिल्कुल नहीं, ये हो जाएगा बिल्कुल वैलिड, ये बिल्कुल हो जाएगा आपका वैलिड, ठीक है, समझ आए कि नहीं बताओ, समझ आए कि नहीं बताओ, हाँ या ना, ठीक है, तो वॉइड के साथ जुड़ा हुआ हमेशा वॉइड हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताओ, हाँ ना, सही समझ आएगी ना बात, लेकिन ठीक है, इल्लीगल के साथ जुड़ा हुआ हमेशा हमेशा इल्लीगल होता है, डन, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, ऑल गुड, ऑल क्लियर, परफेक्ट, चले आगे, देखिएगा नेक्स्ट, है ना, देखिएगा नेक्स्ट, है ना, छोटू बेबी को उठाकर ही लिया था, वही कर सकते, है ना, वही कर सकते, चलो, तो भाई इल्लीगल के साथ जुड़ा हुआ इल्लीगल रहेगा, लेकिन वॉइड के साथ जुड़ा हुआ वॉइड रहा, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं है, डन, क्लियर है क्या, बताओ, अब यहाँ पर कह रहे एक और एग्जांपल, है ना, एक और एग्जांपल, चलिए, अमित भाई ने क्या कहा, अमित ने कहा किसको, अमित ने, है ना, मैत्री को कहा, अमित ने मैत्री को कहा कि मैं ना, अमित ने मैत्री को कहा कि मैं तुझे लगातार 30 दिन स्विमिंग करके बताऊंगा, अमित ने कहा मैत्री को कि मैं तुझे कंटिन्यूस, है ना, कंटिन्यूस 30 डेज जो है वो स्विमिंग करके बताऊंगा, किसने कहा, अमित ने मैत्री को कहा, बताओ क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं ना, ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, ये आप नहीं कर सकते, है ना, ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते, करेक्ट, लेकिन अमित ने क्या बोला कि मैत्री, मैं तेरे को 30 दिन के लिए स्विमिंग करके बताऊंगा कंटिन्यूस, तो मैत्री ने बोला ओहो ऐसा, तो मैं तेरे को 2 लाख रुपए दूंगी, अगर तूने ये जादुई करिश्मा करके दिखा दिया तो मैं तेरे को 2 लाख रुपए दूंगी, करेक्ट, तो अमित ने बोला उसके लिए मुझे स्विमिंग कॉस्ट्यूम चाहिए रहेगी, उसके लिए मुझे स्विमिंग कॉस्ट्यूम चाहिए रहेगी, और ये जो अमित है ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम किससे लेके आया, ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके आया सपोज पीयूष से, ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके आया पीयूष से, ठीक है, परफेक्ट है ना, है ना, चलिए सुनेगा, तो यहां पर जो इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है किसका, मैत्री और अमित का, अमित का और मैत्री का जो कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है वो तो वॉइड है, ये तो वॉइड, या तो दिख रहा है ना वॉइड है, बताओ ये आपको दिख रहा है कि नहीं वॉइड है, बिल्कुल वॉइड है, करेक्ट, लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो एग्रीमेंट है ये जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके आया है, तो क्या स्विमिंग कॉस्ट्यूम के पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं, है ना, पीयूष जो है वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम के बाद में पैसे मांग सकता है कि नहीं, जिंदा बचा तो बिल्कुल मांग सकता है ना, तो ये तो वैलिड रहेगा, है ना, ये तो बिल्कुल वैलिड रहेगा, ओके, तो वॉइड के साथ जुड़ा हुआ वॉइड बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
ओके परफेक्ट क्लियर है। प्रशांत कह रहा है अमित स्विमिंग कॉस्ट्यूम में, भाई ऐसा क्या इमेजिन कर रहा है, मतलब क्या क्या दिक्कत है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम में नहीं हो सकता अमित, ऐसा क्या है जो तू इमेजिन कर पा रहे प्रशांत और हम नहीं कर पा रहे। चलिए ड्रॉइंग बना के भेजना, तू क्या इमेजिन कर रहा है, ओके बताओ क्लियर है कि नहीं, ये है ना वही तन में इमेजिन कर रहा है, मैं भी वही हैरान हो गया देख के, क्लियर है ना, ये समझ आया ना, बहुत बढ़िया। और इमेजिन भी किसको कर रहा है, अमित को, बहुत ही बढ़िया यार, तुम नाम रोशन करोगे मेरा। वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल में डिफरेंस समझ आया, बोलो हाँ या ना, वॉइड और इलीगल में आपको डिफरेंस समझ आया कि नहीं बताओ। क्लियर याद रहेगा, स्कोप नेचर है ना, पनिशमेंट एंड कोलेटरल, बोलो याद रहेगा कि नहीं, है ना याद रहेगा कि नहीं। तो अगर आपको याद रखना है तो है ना, कैसे याद रख सकते हो, अगर याद रखना है, अगर ये ट्रिक करना है तो आप कर सकते हो, है ना, क्या नास्को एंड है ना पुनको, है ना नास्को पुनको ऐसे याद रख लो, है ना नास्को पुनको ऐसे याद रख लो, आपके ऊपर है ठीक है। या फिर कोलेटरल, कोलेटरल अगर इसे याद रखना है, अगर इससे याद रखना है तो फिर क्या भाई, ये लेटा हुआ था तो हमने उसको पनिशमेंट दे दी, है ना ये लेटा हुआ था तो हमने उसको पनिशमेंट दे दी ठीक है, हमारा नेचर ही ऐसा है ना, हमारा नेचर ही ऐसा है ठीक है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, है ना ये लेटा हुआ था, ये लेटा हुआ था तो हमारे स्कोप में था इसको पनिशमेंट देना, ये लेटा हुआ था ठीक है, ये इस प्रकार से लेटा हुआ था तो हमारे स्कोप में था इसको पनिशमेंट देना, ये हमारा नेचर ही ऐसा है, हमारा नेचर ही ऐसा है ना, हमारा नेचर ही ऐसा है, ये लेटा हुआ था तो कोलेटरल था, है ना कोलेटरल था तो हमारे पास ये स्कोप है कि हम इसको पनिशमेंट दें, हमारा नेचर ही ऐसा है ठीक है, समझ आया कि नहीं। रजनी के लिए इंस्टा आईडी क्या है, हमारा नाम डाल देना, हमारा नाम डाल देना, इसमें लॉजिक कहाँ गया, निमोनिक्स में लॉजिक नहीं होता भाई, है ना निमोनिक्स में कौन सा लॉजिक होता है, है ना निमोनिक्स में कोई लॉजिक नहीं होता, निमोनिक्स आपको याद रहना चाहिए, निमोनिक्स आपको याद रहना ठीक है, समझ आया क्या, क्लियर है, है ना नास्को पुनको भी चलेगा, नास्को पुनको कर लो कोई दिक्कत नहीं। चलिए है ना लॉजिक भी लाइक अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, अबे एग्जाम में कौन पूछने वाला है लॉजिक से लिखा है लॉजिकल लिखा है, आपको नाम याद करने अंदर कुछ है ना, अंदर जो है कचरा मत करके आना, अंदर वॉमिट मत करके आना, अंदर है ना अच्छे से लिख के आना, बस ये नाम याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, किसकी बात कर रहे हैं हम, है ना वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट में, तो लेटा हुआ था हमारे स्कोप में था इसको पनिशमेंट देना, हमारा नेचर ही ऐसा है हम तो देते हैं हमारी इच्छा, ओके डन क्लियर। चलिए है ना, चलिए अभी इसी प्रकार से जो सी एस ई टी जो सी एस फाउंडेशन लेवल है ना, वहां पर मैं बच्चों को नेताओं का नाम याद कराता हूँ, तो 40-50 नेता है उसमें, पता है आपको, मैं आपको दिखाता हूँ, है ना आपको दिखाता हूँ उसमें ना 40-50 यहाँ पर नेताओं के नाम याद रखने पड़ते हैं, तो ये आप देख रहे हो लंबी सी लिस्ट, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं बहुत सारे, तो इनको ना नाम याद करवाने पड़ते हैं सारे के सारे, तो कैसे याद करवाने पड़ते हैं, जैसे है ना एक इंसान है गजेंद्र नाम के, तो गजेंद्र मतलब क्या होता है, गज इज हाथी, इंद्र इज किंग, तो किंग है ना किंग ऑफ एलिफेंट्स, तो एलिफेंट क्या संभालेगा, पानी संभालेगा, है ना जल, तो उनके पास क्या है, जल शक्ति है, गजेंद्र जी के पास क्या है, जल शक्ति है ठीक है। फिर एक इंसान है गिरिराज, है ना एक मिनिस्टर है गिरिराज, तो गिर के क्या करते हैं, दूध निकालते हैं, है ना वो गिर जाते हैं और दूध निकालते हैं, तो उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री वगैरह है, ऐसे बहुत सारी चीजें ठीक है। फिर प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, प्रकाश जावड़ेकर प्रकाशित करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, किस बात की ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, है ना क्लाइमेट संभालते हैं, है ना ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन टेलीकम्युनिकेशन वगैरह देखते हैं, और काफी हेवीली ब्रॉडकास्टिंग करते हैं मौसम की, तो क्लाइमेट और ये सब उनके पास है। तो भाई देखो याद करने के लिए आप दुनिया में कुछ भी याद रख सकते हो, लॉजिक नहीं लगता, जब आपको चीजें याद रखनी उसमें लॉजिक नहीं होता, समझने में लॉजिक लगता है, याद करने में नहीं लगता ठीक है। सो बाय हुक और बाय क्रूक अपने को याद रखना है, मुद्दा खत्म, एग्जामिनर को थोड़ी पता है हमने कैसे याद किया है, सही बात है ना ऐसा। तो भाई मैंने उनको ये 50 नाम याद करवा दिए, अब ये पूरी साहब तो ये पानी पूरी खिलाते हैं, पूरी साहब पानी पूरी खिलाते हैं, घर में भी खिलाते हैं प्लेन में भी खिलाते हैं ठीक है। तो हाउसिंग अफेयर्स एंड सिविल एविएशन ऐसे होता है ठीक है, ऐसे होता है, परफेक्ट क्लियर समझ आए, बहुत बढ़िया बधाई हो, ना बहुत ही बढ़िया बधाई हो। चलो सुनिएगा, कहाँ मुद्दे पर आ जाए वापस, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं
दैट इज योर अनइनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट. बच्चे कह रहे हैं पवन सर भी आए हैं, पवन सर एनिवर्सरी मनाओ ना. पवन सर की एनिवर्सरी, हाँ तीसरी एंगेजमेंट एनिवर्सरी, सही बात है, देखा मैंने. बधाई हो सर, बधाई हो अगर आप देख रहे हो तो. वाह वाह सर जी, अच्छा पवन सर कह रहे हैं वाह वाह, अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. है ना, मैडम घर गई होगी शायद, नहीं नहीं आ गई होगी यार एनिवर्सरी. चलिए सुनिएगा, तो नेक्स्ट है आपका अनइनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट. अब ये इसके नाम से थोड़ा सा भिन्न है, थोड़ा सा अलग है. अनइनफोर्सिएबल का मतलब हम क्या समझते हैं, अनइनफोर्सिएबल का मतलब हम क्या समझते हैं, है ना. अनइनफोर्सिएबल मतलब जो इन्फोर्स ना करवाया जा सके, है ना. अनइनफोर्सिएबल मतलब जो इन्फोर्स ना करवाया जा सके. बट यहां पर अनइनफोर्सिएबल का मतलब होता है जिसमें टेक्निकल डिफेक्ट हो. अनइनफोर्सिएबल का मतलब क्या होता है, जिसमें टेक्निकल डिफेक्ट हो, जिसमें टेक्निकल डिफेक्ट हो, दैट इज कॉल्ड एज अनइनफोर्सिएबल. सुनना प्लीज बहुत ध्यान से, अब टेक्निकल डिफेक्ट का मतलब क्या है, है ना. टेक्निकल डिफेक्ट का मतलब क्या है प्लीज बहुत ध्यान सुनना. अब जैसे यहां पर रजनी मेरे पास आई, है ना, रजनी बाय करिए, अरे मैं एग्जांपल ले रहा था, चलो ठीक है रजनी का नहीं लेते हैं, वो जा रही है तो ठीक है. किसका ले लेंगे फिर, ठीक है किसकी जगह ले लेंगे, अंजलि, अंजलि का ले लेते हैं, है ना. अंजलि का एग्जांपल लेते हैं, सुनिएगा अंजलि का एग्जांपल लेते हैं, सुनिएगा. तो यहाँ पर अंजलि जो है, अंजलि मेरे पास आई, ठीक है, और उसको एडमिशन लेना था. अंजलि को सी ए इंटर के टेक्स के लिए एडमिशन लेना था. तो मैंने अंजलि को कहा कि, है ना, उसने कहा सर कितनी फीस है, तो मैंने कहा, है ना, मैंने कहा अच्छा उनको बाय बोल रहे हैं क्या, मुझे लगा इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं, मुझे लगा डेट वेट होगी, कहाँ गया वो प्रोटेक्शन, कहाँ गया ये, है ना, कवर मतलब. तो सॉरी संतोष तिवारी, आपका मैसेज नहीं दिया मैंने, आपका ये नहीं देखा मैंने, कोई बात नहीं, है ना. चलिए, है ना, तन्मय कह रहे हैं फ्री में करोगे ना सर इंटरव्यू, कपड़े उतार लो आप हमारे, वही बचाए जीवन में, है ना. हम घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, सब फ्री में कर देंगे खुदा, हद हो गई. चलिए सुनिएगा, तो यहाँ पर अंजलि जो है, यहाँ पर अंजलि जो है उसको सीए इंटर का टैक्स लगाना था. अंजलि मैडम को सीए इंटर का टैक्स लगाना था, तो मेरे पास क्लास लगाने आई. तो है ना, उसने पूछा सर कितनी फीस है, मैंने बोला वैसे तो बहुत ज्यादा है, मैंने बोला वैसे तो बहुत ज्यादा है. बट उसने बोला कि सर फाउंडेशन आपसे ही पढ़े, अरे मैंने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कम दे देना, है ना. मैंने कहा ज्यादा नहीं, आपके लिए रीजनेबल, आप घर के ही हो, हमने कहा आप घर के ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, 7,000 रुपये दे देना, 7,000 रुपये दे देना, ठीक है. तो उसने बोला ठीक है सर 7,000 रुपये दे देंगे. तो उसने मुझे 7,000 रुपये दी, ठीक है, और मैंने उसको एक इनवॉइस दिया, है ना, मैंने उसको एक इनवॉइस दिया, मैंने उसको एक बिल बना के दिया. बिल में मैंने लिखा, ठीक है, मैंने बिल में क्या लिखा कि भाई ये जो है अंजलि मैडम को, अंजलि मैडम को हमने यहाँ पर जो है एक, अंजलि मैडम को हमने यहाँ पर क्लास दी है, ठीक है, 7,000 रुपये हैं. लेकिन बिल में लिखा हुआ था, उस बिल में लिखा हुआ था कि दिस बिल विल नॉट बी वैलिड इफ द सिग्नेचर इज मिसिंग. सुनेगा प्लीज बहुत ध्यान से, सुनेगा प्लीज बहुत ध्यान से. बहुत बढ़िया अंजलि, बधाई हो, करेंट अफेयर्स का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, अभी मैं आप ही की बात बता रहा था सबको, ठीक है. 7,000 बहुत कम है तन्मय, कम है भाई, सी ए इंटर की 1,00,000 रुपये फीस होती है, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं लेंगे, चिंता ना करो. तो यहाँ पर अंजलि जो है उसके हमने कहा 7,000 रुपये मात्र, और बिल में लिखा हुआ था दैट दी इनवॉइस विल बी वैलिड ओनली द सिग्नेचर इज देयर. इट मीन्स अगर सिग्नेचर नहीं है तो वो इनवैलिड होगा. तो मैंने उसको जल्दी जल्दी में बिल ऐसे ही दे दिया, मैंने यहाँ पर साइन नहीं किया, मैंने यहाँ पर साइन नहीं किया, सही बात है ना, परफेक्ट है ना. अब देखो, अब कल जाके क्या हुआ, कल जाके क्या हुआ, अंजलि जो है, अंजलि जो है उसने ना वो एप्लीकेशन चला रही थी, सपोज वो एप्लीकेशन चला रही थी, अचानक से उसका एक दिन एप्लीकेशन बंद हो गया, कुछ तो टेक्निकल डिफेक्ट आ गया, ठीक है, उसमें कुछ तो टेक्निकल डिफेक्ट आ गया. तो वो ऑफिस में आई, है ना, ऑफिस में गई और स्टाफ को बोला कि ये देखो मेरे पास बिल भी है और मेरा एप्लीकेशन चल नहीं रहा, इसको प्लीज चालू कर दो. तो उन्होंने बिल देखा और उन्होंने बोला कि बिल वैलिड नहीं है. तो ऑफिस स्टाफ ने कहा, है ना, ऑफिस स्टाफ ने कहा कि बिल बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, है ना, बिल जो है बिल्कुल भी वैलिड नहीं है. तो अंजलि ने कहा क्यों, बोले इसमें साइन नहीं है. तो अंजलि बोले ऐसे थोड़ी होता है, मैंने पेमेंट भी किया है, बिल भी दिया है, सर से बात भी हुई है, ठीक है. तो स्टाफ ने कहा नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें साइन नहीं है, हम आपका काम आगे नहीं बढ़ा सकते, नहीं बढ़ा पाएंगे. दिस इज अनइनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज वॉट, आपको समझ आया क्या, सुना क्या आपने, दिस इज कॉल्ड एज अनइनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट. मतलब अभी ये अनइनफोर्सिएबल है. क्यों अनइनफोर्सिएबल है, देयर इज अ टेक्निकल डिफेक्ट, देयर इज अ टेक्निकल डिफेक्ट, एंड टेक्निकल डिफेक्ट होता है टेम्पररी.
टेक्निकल डिफेक्ट होता है टेम्पररी, इट मींस क्या हम इस अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना सकते हैं? यस, बिल्कुल, अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इफ द टेक्निकल डिफेक्ट इज रिमूव्ड। अगर टेक्निकल डिफेक्ट को हटा दिया जाए तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर बस एक छोटी सी चीज मिसिंग थी। क्या मिसिंग थी? हमें सिग्नेचर। यहां पर एक छोटी सी चीज मिसिंग थी, क्या? सिग्नेचर। ठीक है, समझ आया? क्लियर हुआ कि नहीं? डन है ना? तो एक बार मैं पढ़ लेता हूं, आपके ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। सुनिएगा, है ना, सुनिएगा प्लीज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्लीज बहुत ध्यान से, है ना। देखो, है ना, देखिएगा यहां पर क्या बोला था। अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट में वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? इट इज गुड इन सब्सटेंस मींस ऑल द फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड। ठीक है, ऑल द फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड, सारी की सारी फॉर्मेलिटीज हैं, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट, क्या हो सकता है? एब्सेंस इन राइटिंग हो सकता है। टेक्निकल डिफेक्ट में क्या हो सकता है? आपका कुछ एब्सेंस इन राइटिंग हो सकता है, कुछ आपने एक आध पॉइंट लिखना भूल गए हो, या बार्ड बाय लिमिटेशन, ये नया वर्ड है, ये मैं आपको समझाता हूँ, है ना, एटसेट्रा, वन और बोथ दी पार्टीज कैन नॉट सी अपॉन इट, है ना। उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग था, या तो कुछ लिखित में मिसिंग था, जैसे यहाँ पर साइन वगैरह नहीं थी, या फिर इट वॉज बार्ड बाय लिमिटेशन, है ना, दिस वॉज टाइम बार डेट्स, वेरी गुड, बताता हूँ, है ना, बार्ड बाय लिमिटेशन, एक मिनट रुक जाओ, है ना, एक मिनट रुक जाओ, बताता हूँ, एटसेट्रा, वन और बोथ दी पार्टीज कैन नॉट सी अपॉन इट, और एक या दोनों पार्टी जो केस नहीं कर सकते, तो ये आपका होता है अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। तो अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट मींस अ कॉन्ट्रैक्ट विच हैज सम काइंड ऑफ टेक्निकल डिफेक्ट, बट इट कैन बी रिमूव्ड, एंड देन इट कैन बी मेड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, समझ आया? अब देखो, बार्ड बाय लिमिटेशन क्या होता है? बार्ड बाय लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? हमारे यहां पर एक लिमिटेशन एक्ट होता है, इंडिया में एक कानून है, लिमिटेशन एक्ट नाम का। प्लीज बहुत ध्यान समझना, आपके लिए नई नई चीज है। There is something called as, yes, very good Karthik, very good. India में कानून है, that is called as Limitation Act. उसमें बहुत सारी चीजों की लिमिट दी गई है, लेकिन एक जो जनरल लिमिट है वो है 3 साल की। अब 3 साल की मतलब क्या? कि जैसे यहाँ पर विशाल ने प्रशांत से कुछ माल खरीदा। यहाँ पर विशाल ने क्या किया? विशाल ने प्रशांत से कुछ परचेस किया क्रेडिट में, उधार में लिया। ठीक है, और उसको पैसे नहीं दे रहा था, और विशाल भाई जो है वापस पैसे नहीं दे रहे थे, तो क्या इसमें प्रशांत केस कर सकता है? कर तो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम लिमिट 3 साल है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है? 3 साल है। तो 3 साल के बाद वो केस नहीं कर पाएगा। इंडिया में एक लिमिटेशन एक्ट है जो कहता है कि भाई आप इतना कितना सो सकते हो, अगर सामने वाला पैसे नहीं दे रहा है तो 3 साल बहुत होते हैं ना केस करने के लिए, उसके बाद आप आ रहे हो। भाई कहां बिजी थे, है ना, माना आपकी नई नई शादी हुई थी, फिर भी 3 साल हो गया ना भाई, इतना प्यार थोड़ी चलता है। तो 3 साल के अंदर आपको केस कर देना चाहिए, उसके बाद नहीं कर पाओगे। सो दिस इज ऑल्सो वॉट दिस इज अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, इवन दिस इज वॉट दिस इज योर अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें टेक्निकल डिफेक्ट है तो आप केस नहीं कर पाओगे। समझ आया? तो दिस इज अगेन वन ऑफ द एग्जाम्पल। बोलो हाँ या ना, क्लियर हुआ? परफेक्ट, परफेक्ट है ना। प्रशांत ने बाउंसर बुला लिया, विशाल को पिटवा दिया, है ना, इलीगल, अंडू इन्फ्लुएंस, कोअर्जन। ओके, डन, समझ आया? परफेक्ट। 3 साल के अंदर आपके पास राइट है केस करने का। अरे मैडम, है ना, जुनैद भाई फिर वही सवाल पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सुबह है तो आप कह रहे हो मतलब शाम नहीं है क्या? मैं कह रहा हूँ सूरज निकला है तो आप कह रहे हो मतलब चांद नहीं निकला है क्या? अरे भाई, 3 साल के बाद नहीं कर सकते, मतलब 3 साल में कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, परफेक्ट, yes, we will be covering whole of the law, Neetu madam, but you will have to be added, get yourself added in the WhatsApp group. WhatsApp में रहोगे तो आपको सारी की सारी चीजें मिलेगी, एंड मैं कुछ देर में आपके पास गूगल फॉर्म भेजने वाला हूँ। ये समझ आया आपका अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट? इसको रीड कर लेना भाई, मैंने इसको रीड कर लेना, ये जो मैंने आपको लिमिटेशन बताया ना, इसको ना एक बार रीड कर लेना। ठीक है, ये अपना हो गया। देन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हम कल पढ़ेंगे। कल से जो है हम थोड़ा सा टाइम बढ़ाते हैं, अपन 4:30 वगैरह मिला करेंगे, कल से हम थोड़ा जल्दी मिलेंगे। ठीक है, डन। अच्छा सुनो, आज रात को मीटिंग है, 9 बजे मीटिंग है सभी के लिए, तो सभी बालक बालिकाओं को, है ना, और उनके जो गहरे मित्र हैं सबको लेके आना है। मीटिंग है, इंपॉर्टेंट है, आपको जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बारे में बताने वाले हैं, एंड कुछ देर में आपको जो है मैं गूगल फॉर्म भी भेजने वाला हूँ।
बीसीके बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, बीसीके की बात कर रहे हो या करेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग इंग्लिश की बात कर रहे हो? इंग्लिश के लिए थोड़ा वक्त है, ठीक है, डन, परफेक्ट। बाउंसर वीडियो मुझे क्या होता है, हाँ ना, आज मीटिंग में बहुत ही खास होने वाला है तो आप सबको रात को 9 बजे आना है। ओके सर, वी गेट माई ट्विन ब्रदर रिया करिए, चलेगा। मैथ्स की क्लास आज क्या है, ट्यूजडे है ना, तो आज तो होने वाली है। अरे आज तो होने वाली है, एक मिनट, मैं विनीत सर से बात कर लेता हूँ, विनीत सर से बात कर लेता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। चलिए हम रिकॉर्ड कर देंगे, चिंता नहीं है। यस, मैथ्स का लेक्चर है ना, ठीक है, टाइमिंग चेंज कर देंगे मीटिंग का, चिंता ना करो, मीटिंग का टाइम चेंज कर देंगे, चिंता ना करो, ओके, परफेक्ट। चलिए अब पूरा भाई हो जाएगा, चिंता ना करो, मेरे ऊपर छोड़ दो, आपको सारी की सारी चीजें दिमाग में बिठा दूंगा, मतलब एक बार पढ़ो तो परमानेंट हो जाए ऐसे पढ़ने पर, चिंता ना करो, जल्दी जल्दी पढ़ाने मजा नहीं आता है, परफेक्ट, क्लियर है क्या, है ना ईशांत, मिक्स चलेगा बेटा, मिक्स। चलिए तो गाइस आज के लिए रुकने, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, लाइक कमेंट छोड़ देना, पहले कह रहा हूँ, लाइक और कमेंट अगर आपने नहीं छोड़ा तो फिर है ना अपशगुन होगा आपके साथ। चलिए तो आज के लिए रुकते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए भाई, चलिए भाई, चलिए भाई।